पृथ्वी पर काल क्रम से ऐसे दुराचारी राजाओं का राज्य होगा, वे धर्म अर्थ काम से सर्वदा विहीन रहेंगे। ये ऐसे उलट फेर करके मृत्यु को प्राप्त होंगे। काल क्रम से नाश हो जाने पर उनकी स्त्रियों की संख्या अधिक बढ़ जाएगी। मनुष्य आयु सौंदर्य बल और शास्त्र ज्ञान में धीरे धीरे न्यून होते जाएंगे। इस तरह नष्ट होते प्रजा जब अंत नष्ट को चली जाएगी तथा नष्ट की सीमा पर आ जाएगी तो वे दुराचारी राजा काल क्रम से मृत्यु को प्राप्त होंगे। इस प्रकार जब कलयुग संध्या मात्र शेष रह जाएगा तो राजा शब्द ही नष्ट हो जाएगा। धर्म के नष्ट हो जाने पर साधनहीन आपत्ति की मारी शोक और व्याध के कारण चिंता से पूर्ण अनावृष्टि तथा आपसी लड़ाई झगड़े सर्व दुखी प्रजा असहाय हो जाएंगी। वे सब तरह से दुखी होकर जीविका विहीन हो जाएंगी। वे नगर और पुर ग्रामों को छोड़कर वन में रहने लगेंगी। इस तरह राजाओं के नष्ट हो जाने के बाद प्रजा अपने घर ग्राम छोड़कर भाग जाएगी। आपसी प्रेम भाव दूर हो जाएंगे। वे संकट वर्ण हो जाएंगे। वर्ण आश्रम धर्म का भी लोप हो जाएगा। वे पर्वतों की गुफा और गंगा के एकांत किनारे भी निवास करेंगी। सभी प्रजा घर छोड़कर सर्दियों के तट तथा पर्वत की गुफाओं एवं जल वाले प्रांतों में भाग जाएंगे। मानव जाति अपने प्रिय देशों को छोड़कर अंग कलिंग वंग काश्मीर तथा काशी कौशल ऋषिकेश गिरी द्रोणी आदि प्रांतों में आश्रय बनाएंगे। आर्य लोग मलेच्छों के साथ हिमालय की भूमि शार समुद्र के तटवर्ती भागों भीषण जंगलों में मृगों मछलियों पक्षियों और हिंसक जंतुओं के साथ साथ मधु शाप फल मूल आदि खाकर जीवन यापन करेंगे। वे मुनियों की तरह वलकल मृग चर्म एवं पत्तों के चीर अपने हाथों से बनाकर पहनकर धारण करेंगे। निम्न प्रांतों में अन्न ढूंढते ढूंढते काष्ठ और शंकाओं को खाकर जीवन बिताएंगे। बकरी भेड़ गधे ऊंट पालेंगे। जल के लिए नदियों के किनारे रहेंगे। राजाओं में विषमता के बीच बनाएंगे तथा किन्हीं किन्हीं को संतानें अधिक और किन्हीं किन्हीं को एकदम कम होगी। पवित्रता और आचार एकदम नष्ट हो जाएंगे। लोग अधर्ममय कार्य को अधिक करेंगे। 23 वर्ष से अधिक किसी की भी आयु ना होगी। दुर्बलता विषय लोलुपता वृद्धता से दबे लोग जीविका के लिए घूमा करते रहेंगे। कलयुग के अंत में लोग अनेक आपत्तियों में घिरे रहेंगे। 1000 वर्ष वाले उस कलयुग के बीतने पर सारी प्रजा अधिकांश में नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार संध्या सहित कलयुग के बीतने पर कृतयुग प्रारंभ होगा। जिस समय चंद्रमा सूर्य पोष्य और गुरु एक ही राशि पर आ जाएंगे तब कृतयुग का प्रारंभ होगा। राजा परीक्षित के जन्म से लेकर मां पद्म के अभिषेक तक का समय 1000 वर्ष तक का मानना चाहिए। पुराणों के जानकार वेद यज्ञ ऋषियों ने मां पद्म के शासन काल से आंध्रों के अंत तक का काल 829 वर्ष का बतलाया है। सप्तऋषि एक नक्षत्र में 100 वर्षों तक रहेंगे। इसी प्रकार वे 27 नक्षत्रों में 2700 वर्ष तक रहेंगे। दिव्य 60 वर्षों तक तथा 7 दिनों का सप्तऋषियों का 100 वर्ष माना गया है। हमारे मत से सप्तऋषिगण राजा परीक्षित के राजतत्व काल में मघा नक्षत्र में स्थित होंगे तथा आंध्र वंशीय राजा की समाप्ति पर वे 24वें नक्षत्र यानी शतमीषा में स्थित होंगे। उस समय प्रजा भारी आपत्ति में फंस जाएगी। भूख से दुखी लोग जीविका के लिए घूमेंगे। ब्राह्मण लोग शूद्रों की उपासना करेंगे। जिस दिन से भगवान कृष्ण स्वर्गवासी होंगे उसी दिन से कलयुग का प्रारंभ मानना चाहिए। कलयुग की अवधि सुनिए,
मानव मान से कलयुग 360,000 वर्षों का कहा गया है, उसका संध्यांश देव मान से 1,000 वर्ष का कहा गया है। हमने सूर्य के कीर्तिशाली वंशों का वर्णन किया है। प्रत्येक युग में सहस्त्रों पराक्रमशाली राजा हो गए हैं। उनकी संख्या परिमाण प्रत्येक के कुल के अनुसार मैंने कही है। इस विवस्त मन्वंतर में नीगी वंश की समाप्ति हो जाती। इस युग में जिस प्रकार इन क्षेत्रों की उत्पत्ति होगी उसका वर्णन किया जाता है, सो सुनो। पौरव वंश में देवादि नाम का राजा महान योग अभ्यासी होगा, जो कलाप नामक ग्राम में निवास करेगा। इसी प्रकार इश्वांकु वंश के सोम पुत्र सर्वचा नाम के राजा होंगे। 24वें युग में दो परम वीर राजा धर्म का प्रवर्तन करने वाले होंगे। 20वें युग में आदिम राजा चंद्रवंश का राजा कोई नहीं होगा। राजा देवापी बिना किसी बैर भावना के एल वंश का प्रथम राजा होगा। चारों युगों के लिए दो राजा क्षत्रिय धर्म के प्रवर्तक होंगे। इसी प्रकार त्रेता युग के प्रारंभ में ये पुनः जन्म धारण करेंगे। द्वापरांश में ना तो क्षत्रिय रहेंगे और ना ऋषिगण रहेंगे। सतयुग और त्रेता युग के शीर्ण होने पर वे ऋषि तथा राजऋषि क्षत्रिय राजाओं के साथ स्थित रहेंगे। क्षत्रिय वंश का मूलतः विद्वंश ब्राह्मणों के साथ संबंध स्थापना सातों मन्वंतरों में उत्पन्न होने वाली प्रजाएं युगों की परंपरा ब्राह्मण एवं क्षत्रियों की उत्पत्ति उनके कुलों का विस्तार फिर विनाश तथा दिगर आयु प्रगति प्रजाओं की प्रवृत्ति आदि जो होती है उसे सप्तऋषिगण जानते हैं। इस क्रम के अनुसार एल तथा इश्वांकु वंशीय द्विजाति के त्रेता में उत्पन्न होकर कलयुग के विनाश तक के युग का अनुवर्तन तब तक करती है जब तक मन्वंतर का अंत नहीं होता। परशुराम के द्वारा क्षत्रिय के संहार करने के बाद चंद्र एवं सूर्य वंश पुनः उत्पन्न हुए। उनका वर्णन इस प्रकार है। एल एवं इश्वांकु वंश ऐसे थे जिनमें प्रसिद्ध 100 राजा हुए। भोज वंशीय राजाओं के कुलों की संख्या द्विगुणी कही जाती है। इनमें ऐसे क्षेत्रीय राजा हुए जिनकी संख्या 300 के लगभग है। प्रतिबंधियों की संख्या 100, नागों की संख्या 100, हयों की संख्या 100, धृतराष्ट्रों की संख्या 100, जन्मजय की संख्या 80, ब्रह्मदत्तों की 100, शीरी व कीरी की संख्या 100, पैलों की संख्या 100, श्वेत कुश की संख्या काशी की संख्या 100 की है। शतबिंदु नामक 100 राजा हो चुके हैं। ये सभी राजा करोड़ों की संख्या में दक्षिणा दान करने वाले अनेक अश्वमेध यज्ञों को कर चुके हैं। विवस्व मनु की संतान बहुत बड़ी संख्या में हुई है। इनका वितरण 100 वर्षों में भी नहीं कहा जा सकता। इस 28वें युग विवस्त की शेष संतानों को सुनिए। भविष्य में इसी युग में 40 राजा और राज्य करेंगे। इसके बाद इस युग का अवसान हो जाएगा। सम्राट ययाति के पुत्रों से होने वाले 25 राज वंशों का तथा उनके देशों का वर्णन मैं कर ही चुका हूँ। वे सभी बड़े प्रेम से समस्त लोगों के पालक थे। इसी वृत्तांत को पढ़ने सुनने से दिगर आयु यश कीर्ति धन पुत्रों की प्राप्ति स्वर्ग में अनंत काल तक निवास इन 5 वरदानों की प्राप्ति होती है। वायु पुराण का 99वां अध्याय संपूर्ण। वायु पुराण का 100वां अध्याय प्रारंभ। मन्वंतरों का वर्णन। मुनियों ने सूत जी के द्वारा तृतीय पाद सुनकर चौथे पाद को सुनने की अपनी इच्छा प्रकट की। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपने हमको अनुषंग नामक तृतीय पाद का वर्णन सुनाया है। अब आप हमको चतुर्थ उपसंहार नामक पाद के विषय में सुनाइए।
बीते हुए मन्वंतर के अलावा जो और मन्वंतर है तथा इस वर्तमान मन्वंतर में जो सप्त ऋषि हैं उन सब के विषय में बतलाइए। महात्मा मनु की इस सृष्टि का विस्तार किस प्रकार होता है, इन सब बातों का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं आप सबको इन सब बातों के विषय में बतलाऊंगा। हे विप्रो, संप्रति वर्तमान व्यवस्त मनु तथा भविष्यकालीन सावर्ण मनु का वर्णन कर रहा हूँ। भावी मनवंतर में जो मनु होंगे वे हैं कुशिक नंदन, गालव, जमद अग्नि, पुत्र भार्गव, वशिष्ठ गोत्रीय, देतप्यान, शार्दूत वंश में उत्पन्न कुरुप, अत्रि वंश के दीप्तिमान कश्यप गोत्रीय, ऋषश्रृंग भरद्वाज के गोत्र के द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, ये सभी मुनि भावी मन्वंतर में परम ऋषि के नाम से प्रसिद्ध होंगे। सुतपा, अभिताप और सुख से तीन भावी मन्वंतर के देवताओं के मुख्य गण होंगे। इनमें एक मन्वंतर में 20 देवता प्रतिष्ठ होते हैं। उन सब देवों के इस प्रकार नाम हैं, ऋत, तप, शुकधुति, ज्योति, प्रभाकर, प्रभास, भास्करत, धर्म, तेज, रशीम, ऋतु, विराट, अर्चिमान, धोतन, भानु, यश, कीर्ति, बुध, धृति इत्यादि 20 देवगण सुतपा नामक गण में सम्मिलित है। प्रभु, विभु, विभास, जेंता, हंता, अरिहा, ऋतु, सुमति, प्रभुति, दीप्ति नाम के गण में मिले हुए हैं। मह महान देह मुनि नय ज्येष्ठ सम सत्य और विश्रुत ये 20 देवगण अभिताप नाम से प्रसिद्ध हैं। दमदाता विद सोम, वित वेद, यम निधि, होम हव्य, हुत दान, दे दाता, तप शम, ध्रुव स्थान, विधान और नियम के ये 20 सावर्णी मन्वंतर की पहली स्थिति है। इसमें मुख्य देवगण प्रसिद्ध है। ये सभी देवता कश्यप जी के पुत्र माने जाते हैं। इनमें मन्वंतर के बाद सावर्णी मन्वंतर में इन सब देवताओं के स्थान प्रतिष्ठ होंगे। सावर्णी मन्वंतर में विरोचन के पुत्र बलि इन देवताओं का स्वामी इंद्र होगा। सावर्णी मनु के 9 पुत्र होंगे। इनके नाम इस प्रकार हैं, वीरवान, अवनियान, निर्मोहोत्सवाक, कृति, चरिष्णु, अजय, विष्णुवाच, सुमति नाम के प्रसिद्ध हैं। इनके अलावा दूसरे सावर्णी मन्वंतर के 9 मनु पुत्रों के नाम से प्रसिद्ध होंगे। भविष्य में ब्रह्म जी के और भी पुत्र सावर्णी मनु में उत्पन्न होंगे। विद्वान मनुष्य उन सबको मेह सावर्णी नाम से देखते हैं। ये सभी मनुगण दक्ष प्रजापति के नाती और उनकी प्यारी पुत्री के पुत्र हैं। वे परम तेजस्वी देवगण समेरु पर्वत पर निवास करेंगे। वे महरलोक के रहने वाले हैं। वहां से आकर समेरु पर्वत के निचले भाग में रहने आते हैं। ये महात्मा चाक्षुष मन्वंतर में पैदा हुए थे। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, राजा दक्ष की कन्या से पुत्रों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है और ये सब शंकर, ब्रह्मा और धर्म आदि की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, मैं प्रचेता को नमस्कार करता हूँ और आपको इन सब की उत्पत्ति के विषय में बतलाऊंगा। चाक्षुष मन्वंतर के कुछ शेष रह जाने पर जब व्यवस्त मन्वंतर में शुरू होता है उसी समय भविष्य काल के मनुगणों की उत्पत्ति होती है। उनमें 5 सावर्णी मनुगण दक्ष के नाती हैं, 4 मनुगण परम ऋषियों से पैदा हुए हैं और 1 सावर्ण मनु विवस्वान के संयोग से छाया संज्ञा के पुत्र हैं। संज्ञा के सबसे बड़े पुत्र विवस्त मनु इन सावर्णी मनु से बड़े हैं। विवस्त के आने पर इन दोनों मनुओं की देवी उत्पत्ति होगी।
इन परम यशस्वी मनुगण 14 माने जाते हैं। वेद, श्रुति, पुराण इत्यादि इत्यादि में सभी जगह से ये मनुगण परम प्रभावशाली सभी जीवों के अधीश्वर रूप में माने जाते हैं। इन्हीं राजा मनुगणों में सातों दीपों और पर्वतों समस्त पृथ्वी हजारों युगों तक स्थित रहती है। मैं उन मनवंतरों में होने वाली प्रजा तपस्या और सृष्टि विस्तार का वर्णन करूंगा। 14 स्वयंभू मनु की सृष्टि को जानना चाहिए। दक्ष प्रजापति की सुव्रता नाम की कन्या थी। वह परम धार्मिक और यशस्वी थी और कन्याओं से छोटी होने के कारण भी सभी गुणों में श्रेष्ठ और धर्मपरायण थी। दक्ष प्रजापति अपनी कन्याओं को साथ लेकर एक बार ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय प्रजापति ब्रह्मा जी धर्म और भव के साथ वराज नाम के लोक में विद्यमान थे। ब्रह्मा जी ने दक्ष को भव और धर्म के साथ खड़ी देखकर बोले, हे सद्व्रत धारण करने वाले दक्ष, तुम्हारी इस कन्या से 4 पुत्र उत्पन्न होंगे। वे चारों भावी काल में 4 वर्षों के संस्थापक मनु के रूप में प्रसिद्ध होंगे। ब्रह्मा जी की इस प्रकार की बात को सुनकर धर्म और भव ने उस कन्या के साथ समागम किया। सत्य का ध्यान करने वाले इन धर्मात्मा तपस्वियों के मानसिक संकल्प के कारण उस कन्या ने 4 सुंदर पुत्रों को पैदा किया। वे सुधोजात कुमार सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले विविध भागों के उपभोगों में सामर्थ्यवान है। इन 4 कुमार पुत्रों को देखकर समस्त ब्रह्मवेत्ता देवताओं ने कहा कि यह हमारे पुत्र हैं। इस प्रकार बातें कहकर आपस में देवताओं में छीना झपटी होने लगी। वे 4 पुत्र उन 4 महान प्रभावशाली देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए थे। उन सब ने आपस में यह सलाह की कि जो इन सब से सब में जिसके शरीर के समान हो वह उसी का पुत्र समझा जाएगा। स्वरूप, पराक्रम, नाम और वर्ण में जो पुत्र जिसके समान हो वह उसी का पुत्र है। पुत्र सदा माता पिता के स्वरूप के अनुसार ही होते हैं तथा पराक्रम में भी माता पिता के समान ही होते हैं। ब्रह्मा जी इत्यादि देवताओं में आपस में इस प्रकार की सम्मति करके अपने समान आकृति वर्ण और पराक्रम वाले पुत्र को ग्रहण किया। वे 4 कुमार ब्रह्मा, धर्म, दक्ष और भव के समान वर्ण वाले थे, अतः उनका नाम सावर्ण पड़ा। समागम की भावना के कारण उनकी उत्पत्ति हुई थी। वे मनु नाम से प्रसिद्ध हुए। चाक्षुष मनवंतर के बीत जाने पर जब विवस्त मनवंतर शुरू होता है तब प्रजापति रुचि के रोच्य नाम का एक पुत्र हुआ। भूति नाम की स्त्री से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम भूत्य पड़ा। विवस्त मनवंतर में विवस्वान के मनु के 2 पुत्र पैदा हुए जिनमें एक विवस्त मनु और दूसरे सावर्ण मनु के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनमें एक परम ऐश्वर्यशाली विद्वान विवस्त मनु संज्ञा के बड़े पुत्र और दूसरे विवस्त मनु सावर्ण छाया रूपधारी संज्ञा के पुत्र माने जाते हैं। सावर्ण जो 4 मनुगण उत्पन्न हुए वे महर्षि से उत्पन्न हुए थे। वे सभी मुनि परम तपानिष्ठ थे। ये भविष्य में अपने अपने मनवंतर में अपने अपने स्थानों में विराजमान होंगे। प्रथम मनु दक्ष पुत्र मेरु सावर्णी थे। उनका नाम प्रजापति रोहित था। ये भविष्य मनवंतर के भावी मनु होंगे। इनके विवस्त मनवंतर में अनेक महात्मा पुत्र पैदा हुए जिनके गणों के नाम है मरीचि गर्भा, सुशर्मा और पार हुए, जो इनमें से एक एक गण 12 भागों में विभक्त हैं। ऐश्वर्य संग्रह राहा, बाहुवश आदि को पारंगण जानना चाहिए। अन्य गणों के नाम इस प्रकार हैं: वाजई, वाजीजीत, अभूति, ककुघया, दधिक्राव, अपक, प्रगति, विजय, मधु, तेजस्वान और
अर्थवर्दे ये 12 मरीचिगण के अधीन थे। सुशर्मा गण का वर्णन सुनिए। वर्ण अंक विश्व मुरण्य वर्जन अमित द्रव केतु जम्बभोस्त अजल्फ शक्रक सुनेमी दूत पाए ये 12 गण सुशर्मा नाम से पुकारे जाते हैं। भविष्य काल में अद्भुत नाम के देव इन सब का राजा होगा। अग्निपुत्र चंद्रमा के समान सुंदर आकृति वाले स्वामी कार्तिकी का दूसरा नाम स्कंद भी है। पुलस्त्य गोत्रीय मेधा की थी कश्यप गोत्रीय वसु भृगु वंश में उत्पन्न ज्योतिषमान अंगिरा के पुत्र दूतिमान वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न वसित अत्रि कुल में उत्पन्न हव्य वाहन पोल व वंशीय सुतपा ये 7 रोहित मनवंतर के ऋषि माने जाते हैं। उन प्रथम सावर्णी मनु के धरती केतु दीप्ति केतु शाप हस्त निरामय पृथुश्रव अनिक भूरी मंधु और बृहद्धूत नाम के 9 पुत्र माने जाते हैं। दशम मनवंतर में धर्म के पुत्र द्वितीय मनु का नाम भव्य पड़ेगा। इन भाव्य मनु के राज्य काल में सुखमना और विरुद्ध नाम के 2 देवताओं के गण कहे जाएंगे। ये सभी देवता एक समान कांतिवान वाले होंगे और एक समान धर्म वालों की संख्या में 100 होंगे। ऋषियों ने इन देवताओं के लिए पुरुषों का प्रमाण करना बतलाया है। धर्मपुत्र द्वितीय मनु के राज्य काल में ये देवों के पद पर आसीन होंगे। इन सब देवों के स्वामी राजा इंद्र होंगे। प्रलय गोत्र के हविष्यमान भृगु के गोत्र में उत्पन्न परम भाग्यशाली सुकीर्ति अत्रि वंश में उत्पन्न अपोमूर्ति वशिष्ठ वंश में उत्पन्न अपोमूर्ति पुलस्त्य कुल में उत्पन्न राजा प्रतीप कश्यप वंश में उत्पन्न राजा नाभाग और अंगिरा वंश में उत्पन्न अभिमन्यु ये 7 उस मनवंतर के ऋषि प्रसिद्ध होंगे। सुक्षेत्र उत्तमोजा भूरी वेण वीर्यवान शतानिक नीरमित्र वृषसेन जयध्रत भूरी धुमन और सुवर्चा ये 10 भाव्य मनु के पुत्र होंगे। 11वे सावर्ण मनु के राज्य काल में उन परम भाग्यशाली देवगणों के 3 विशेष गण प्रसिद्ध होंगे। उन तीनों के ये नाम है निर्माणित कामज और मनोजव। उन स्वर्गवासी देवताओं के एक एक गण में 30-30 देवता होंगे। विद्वान लोग महीने में जिन 30 दिनों की गिनती करते हैं वे ही निर्माण रति देवगण है। रात्रि और विहंगात्मक देवगण कामज और मनोजव देवगण के नाम से प्रसिद्ध हैं। भविष्य काल में देवताओं के ये 3 गण मुख्य माने जाते हैं। उन देवताओं के अधीश्वर वृष नाम के देवता होंगे। उस मनवंतर के सप्तऋषु के इस प्रकार नाम है हविष्यमान वशुमान वरुणी भग पुष्टि पुलस्त्य कुलभूषण निश्चर और अग्नितेजा ये 7-11वे देवगण मुख्य माने जाते हैं। सर्ववेग सुधर्मा देवानिक प्रोभा क्षेम धर्मा ग्रहेशु आद्रव और पौंड्रक ये 11वे मनवंतर के सावर्ण मनु के पुत्र माने जाते हैं। 12वे मनवंतर में रुद्र पुत्र रक्त सावर्ण मनु का राज्य काल होगा। उस समय वर्तमान देवगणों के 5 मुख्य गण माने जाते हैं। उनके नाम हरित रोहित सुमना सुकर्मा और सुपार ये 5 मुख्य गण माने जाते हैं। ये सभी देवगण ब्रह्म जी के मानस पुत्र माने जाते हैं। इनके एक एक गण में 10-10 देवता रहते हैं। इनमें अरुणिंत तथा हीव विद्वान है। पर्वतानुचर अप अंशु मनोजव ऊर्जा स्वाहा स्वधा और तारा ये 10 हरित गण के मुख्य गण माने जाते हैं। तप जानी भृति वाचा बंधु रज राज स्वर्णपाद वयुष्टि और विधि ये 10 रोहिण गण माने जाते हैं।
अब सुकर्म के गणों का वर्णन करूंगा। सुपर्वा, वृषभ, पृष्ठ, कपि, धुम्न, विपक्षीचत, विक्रम, क्रम, निभृत और क्रांत ये 10 सुकर्मा कर्म के नाम से माने जाते हैं। वर्षोदित, जिष्ट, पर्चवरी, धुतिमान, हवि, शुभ, हविष्कृत, प्राप्ति, व्यप्रथ, व्यप्रथ और दशम ये सुपारा नाम के देवगण के नाम से पुकारते हैं। इन देवों के स्वामी यशस्वी ऋतुधामा होंगे। कृति, सुतपा, तपोमूर्ति, तपस्वी, तपोअशियान, तपोर्ती और तपोमती ये 7 ऋषि ऊपरी मनवंतर के माने जाते हैं। सावर्णी मनवंतर में देववान, उपदेव, देवश्रेष्ठ, विदुगध, मित्रवान, मित्रबिंदु, मित्रसेन, अमित्रहा और सुवर्चा ये 12 मनु के पुत्र माने जाएंगे। 13वे रोच्य नामक मनवंतर में 3 ही देवगण होंगे। ये सब तपस्वी ब्रह्म जी के मानस पुत्र कहलाएंगे। ये ही भावी मनवंतर में सोमरस पीने वाले देवों के पद्म आसीन होंगे। यज्ञ कर्ताओं के साथ इस मनवंतर में कुल 33 देवगण होंगे। आज्य, वृषदाज्य, गृहश्रेष्ठ और दूसरे देवगणों को मिलाकर उन देवताओं की गिनती 30 ही होगी। मैं इन सब का अलग अलग वर्णन कर रहा हूँ। संप्रति, प्याज और अप्याज नाम के देवगण सभी सुत्रामा गण के नाम से पुकारे जाते हैं। अनुयाज्य, प्रश्दात्र्याशी देवता सुकर्म नाम से प्रसिद्ध होंगे। उपपात्र्य नाम के देव गण सधर्मा नाम के गण अधीन कहे जाते हैं। इन सब देवगणों के स्वामी इंद्र महाबलशाली देवस्वती होते हैं। ये रुचि पुत्र और पुलह के नाती माने जाते हैं। अंगिरा पुत्र धृतिमान, पथ्यवान, तत्वदर्शी, निरुत्सक, निष्प्रकंप, निर्मोह, वशिष्ठ वंश में उत्पन्न स्वरूप ये 7 मनवंतर के ऋषि कहे जाते हैं। चित्रसेन, विचित्र, तपोधर्म, धृत, भव, अनेक वृद्ध, छत्रवृद, सुरस, निर्भय और प्रथ ये रोच्य मनवंतर के मनु के पुत्र माने जाते हैं। भविष्य काल के 14वें मनवंतर में भोत्य नाम के मनवंतर में देवों के 5 गण कहे जाते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: चाक्षुष, कनिष्ठ, पवित्र, भाजर और वाचावृद, परवर्ती तथा मनु के 7 पुत्रों के चाक्षुष पुकारते हैं। वृद्धदादी 7 समूह को 7 कनिष्ठ देवगण कहे जाते हैं। अग्निध्र, कश्यप, पुलस्त्य, मागध, भार्गव, अग्निवा, अगिरसहु, शुचि, परम तेजस्वी, सुबल ये मोत्स्य मनु के राज्य काल में बल उत्पन्न होने वाले उनके पुत्र हैं। ऊपरी बताए ये 4 गण सावर्ण मनु के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे ब्रह्म आदि 4 देवताओं के पुत्र माने जाते हैं। विवस्वान के पुत्र मनु भी सावर्ण मनु के माने जाते हैं। रोच्य और भोत्य ये 2 मनु पुलह और भार्गव गोत्र में उत्पन्न हुए हैं। इन्हीं भोत्य मनु के राज्य काल में ही कल्प समाप्त हो जाता है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब सब मनवंतर में समाप्त हो जाते हैं और उनके बहुत से युग बीत जाते हैं तो सृष्टि का संहार होता है। इस प्रकार बतलाया जाता है, अंतिम मनवंतर में ये 7 भृगु वंश में उत्पन्न देवगण 71 युगों तक समस्त त्रिलोकी में राज्य करेंगे। इसके बाद अंत में पितरों, मुनियों, सप्तऋषियों, यज्ञ कर्म, यजमान और मुक्तों के साथ 3 लोकों को छोड़कर सर्वशक्तिमान देवता महरलोक को चले गए। इस प्रकार इन सब को छोड़कर चले जाने पर तो मनवंतर समाप्त होकर यह त्रिलोक निराधार हो जाएगा। हे ब्राह्मणों, उस समय सभी स्थान शून्य में हो जाएंगे। स्थाई देवगण भी अपने अपने स्थान छोड़ देंगे।
तारा ग्रह नक्षत्र निराधार होकर नष्ट हो जाएंगे, त्रैलोक्य की सभी संपत्तियां नष्ट हो जाएंगी तथा इंद्र इत्यादि मुख्य देवता चाक्षुष आदि इत्यादि सभी देवगण महरलोक में जाकर कल्प पर्यंत तक रहेंगे। इस तरह महरलोक में कल्पवासी दूसरे देवों के साथ मिलने पर वे 14 मनुगणों के साथ शह शरीर जनलोक को चले जाते हैं। देवताओं के महरलोक से जनलोक में जाने के बाद केवल स्थावर जीव शेष रह जाते हैं। मह भूमि इत्यादि सभी स्थान शून्य हो जाते हैं। देवगण कल्प पर्यंत तक रहने के बाद अनन्य देवताओं की तरह स्थानों को प्राप्त कर ऊपर चले जाते हैं। उस समय ब्रह्म देवताओं ऋषियों पितरों दानवों का संहार करके युग क्षय पर महति वृष्टि के द्वारा सृष्टि की पुनः स्थापना करते हैं। 1000 चतुर्युग का ब्रह्म जी का एक दिन होता है और इसी तरह 1000 चतुर्युग की ब्रह्म जी की एक रात्रि होती है। जीवों के ये 3 नैमित्तिक प्राकृतिक और अत्यांतिक प्रलय बतलाए जाते हैं। ब्रह्म जी द्वारा किया हुआ कल्पदाह प्रसंयम और नैमित्तिक है, जिस प्रलय में भूतों के कारण असाधारण कारणों का क्षय होता है उसको प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। उस महान प्रलय के बाद करणीभूत उपादान का अस्तित्व एक साथ नष्ट हो जाता है, उनको अत्यंतिक प्रलय कहते हैं। ब्रह्म जी उन देवताओं का संहार करने के बाद अपने एक दिन के बाद पुनः सृष्टि का प्रलय करते हैं। उस समय शयन करने की इच्छा से प्रजापति ब्रह्म जी प्रजाओं का संहार करते हैं। इस प्रकार 1000 युग बीत जाने के बाद युग अक्षय के बाद होने के बाद प्रजापति आत्मस्य सभी प्रजाओं की सृष्टि का विस्तार करते हैं। उस समय घोर अकाल पड़ता है और 100 वर्ष से वर्षा नहीं होती, जिसके कारण पृथ्वी पर बचे हुए प्राणी भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। विभा वसु 7 रश्मियों से युक्त होकर उदित होते हैं और वे अपनी तीखी किरणों से समस्त जलराशि को सोख लेते हैं। उस समय उनकी किरणों का तेज असहाय हो जाता है। वे किरणें हरे रंग की और बहुत से तेजमय तथा तेजमय हो जाती है। वे 7 भागों में बट जाती है। वे धीरे धीरे समस्त पृथ्वी जलराशि में व्याप्त होकर बदल जाती है। भौम काष्ठ वन तेज प्रभूति तथा पुनः पुनः परिव्याप्त होकर वे किरणें बहुत तेज जल उठती हैं। ये 7 भास्कर बहुत तृप्त हो जाते हैं। ऋषि बोले, ऋषियों की इस प्रकार बात सुनकर भगवान वायुदेव बोले, हे ऋषियों मनुष्यों के 432,79,80,000 वर्षों में प्रलय होती है। मानव मान से इतने ही वर्षों बाद प्रलय की अवधि बतलाई जाती है। ब्रह्म जी का एक दिन 1,20,00,000 का तथा 9,000 से अधिक दिव्य वर्षों का होता है। प्रलय के समय पर 7 सूर्य देव उदित होते हैं। सभी लोकों में 4 प्रकार की प्रजाएं महाभूतों में विलीन हो जाती हैं। सारा संसार जलमय हो जाता है। स्थावर जंगम जीवनिकाएं सब नष्ट हो जाती हैं। प्रजापति सबका संहार करके शांत हो जाते हैं। दग्ध लोक समूह में प्रकाश का अभाव होकर अंधकार ही अंधकार हो जाता है। ईश्वर की रूप में स्थिति यह पूरा संसार समुद्र में बदल जाता है। जब तक भगवान का दिन रहता है तब तक एकावरण रूप संसार हो जाता है। इसके बाद उनकी रात्रि जल की स्थिति तक रहती है। इसके बाद दिन माना जाता है। ये 3 रात कर्म पूर्वक बदलते रहते हैं। इस समय संसार में जितने भी चराचर जीव हैं वे सभी विनिष्ट हो जाते हैं। इस कारण प्रलय को आभूत संप्लव कहते हैं। प्रजाओं में सबसे पहले भूत पैदा होते हैं, अतः प्रजापति ब्रह्म जी भूत ही माने जाते हैं। उन्हीं भगवान से सारे संसार का नाश होता है, इसीलिए भी प्रलय को
आभूत संप्लव कहते हैं, अतीत वर्तमान भविष्य की प्रजाओं को त्रैलोकिक आयु परिमाण दिव्य संख्या से अवदार्द माना जाता है। प्रजापति ब्रह्म जी की आयु दो पद्धति काल की मानी जाती है, इतने ही समय तक उनकी स्थिति रहती है। इसको प्रजापति ब्रह्म जी का प्रतिसर्ग होता है। जिस प्रकार तेज हवा के झोंकों से दीपक बुझकर शांत हो जाता है, उसी प्रकार प्रतिसर्ग द्वारा ब्रह्म जी भी शांत हो जाते हैं। उस समय जब अपव्यक्त में महत्व विलीन हो जाता है और महदादि सब महेश्वर में समा जाते हैं, तब गुण साम्य हो जाता है। मैंने आप लोगों को प्रलय का वर्णन सुना दिया है, यही ब्रह्म जी का नैमित्तिक प्रलय कहा जाता है। जो मनुष्य इस वर्णन को सुनता है अथवा सुनाता है, उसको परम सिद्धि प्राप्त होती है। इसके सुनने में विद्याओं का ज्ञान होता है। क्षेत्रीय मनुष्य को युद्ध में विजय प्राप्त होती है, वैश्य को धन प्राप्त होता है, शूद्र को सुख प्राप्त होता है, ब्राह्मणों को इसके महात्म्य से विद्या प्राप्त होती है। वायु पुराण का 100वां अध्याय संपूर्ण। वायु पुराण का 101वां अध्याय प्रारंभ। हे ऋषियों, असामान्य चरित्र वाले द्विजाति लोग जो यज्ञ आदि का शास्त्र सम्मत अनुष्ठान करते हैं, वे सब देवों के साथ इहलोक में निवास करते हैं। मैंने पूर्व प्रसंग में जिन जिन 14 मनुष्यों का वर्णन किया है, वे भूत अविधत और वर्तमान समय के मनु हैं। ये मनु ऋषियों गंधर्वों और राक्षसों के साथ प्रत्येक मनवंतर में पुनः जन्म लेते हैं। देवर्षि सप्तऋषि देवगण पितृगण तथा धार्मिक विचार वाले द्विजाति मात्र क्रमश महरलोक में आश्रय ग्रहण करते हैं। अभिमान रहित सत्यवादी योग में तत्पर श्रोता स्मार्ग कर्मों में श्रद्धालु वर्ण आश्रम धर्म में निष्ठावान लोग मनवंतर के समाप्त होने पर अपने अपने अधिकारों से निर्वत होकर महरलोक में आसित होते हैं। ऋषि बोले, परम सामर्थ्य मात ऋषवन, आप जिस महरलोक की चर्चा कर रहे हैं वह कैसा है? हमारे विचार से ऐसे प्रत्येक लोग में वह बहुसंख्यक लोग निवास करते होंगे, अतः उन महात्माओं के जितने लोग हैं उनको आप बतलाने की कृपा करें, क्योंकि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं और इन बातों को सत्य सत्य है जानते हैं। मुनियों की इस प्रकार विनम्र वाणी सुनकर वायुदेव मधुर वाणी में बोले। वायु बोले, हे ऋषियों, ये जो 14 लोक ऋषियों ने कहे हैं, उनमें 7 कृत और 7 अकृत लोक हैं। भ्रुवादि सभी लोक कृत हैं, 7 प्राकृत लोक हैं। पृथ्वी अंतरिक्ष दिव्य और मह ये लोक आरण्विक नाम से कहे जाते हैं। ये लोक क्षय और वृद्धि करने वाले कहे जाते हैं। नैमित्तिक लोक प्रलय पर्यंत स्थित रहते हैं। जन तप सत्य ये 3 लोक एकांतिक और सत्वगुण वाले हैं, ये कल्प तक रहते हैं। 7 व्यक्त कहे जाने वाले लोक वे भू भुवह स्वर मह महजन तप और सत्य, इसके बाद निरालोक है। ब्रह्मा ने भ्रूह ऐसा कहा, तब भुवरलोक की भू कहने पर भुवरलोक की स्वय कहने पर स्वर स्वरलोक की रचना हुई। भू की पार्थिव लोक नाम से, भू की अंतरिक्ष नाम से, स्वर की स्वर्गलोक नाम से प्रसिद्धि हुई। अग्नि भूतों का यानी पार्थिव वस्तुओं का अधिपति है, उसे भूपति नाम से कहा गया है। वायु अंतरिक्ष के अधिपति हैं, अतः वायु भूवस्पति नाम से कहे गए हैं। भव्य और स्वर लोक का अधिपति सूर्य है, इससे वे दिव्यस्पति नाम से कहे गए हैं। हे ब्रह्मा ने ऐसा कहा है, मह तो महरलोक की सृष्टि ही देवगण अपने अधिकार काल के समाप्त होने पर महरलोक में जाकर ही रहते हैं। 5वां जनलोक है, इस लोक से स्वयंभू मनु आदि की प्रजाओं संतान का जन्म अर्थात उत्पत्ति होती है।
इसलिए इसे जनलोक कहते हैं। हमने पूर्व प्रसंग में स्वयंभू मनु के वंश का विस्तार से वर्णन तो किया ही है। वे सब कल्प के जो समाप्त होने पर तपोलोक में आश्रय प्राप्त करते हैं, क्योंकि तपोलोक कल्पांत में भी स्थित रहता है। रभु एवं सनत कुमार आदि देवगण जो उधर्वरेता ब्रह्मचारी हैं, वे तपोलोक में ही स्थित रहते हैं। सत्य यह शब्द भी ब्रह्म जी द्वारा कहा हुआ है। इसका प्रयोग सत्ता मात्र में होता है। इसी से ब्रह्मलोक को सत्यलोक भी कहते हैं। यह अत्यंत प्रकाशमान सातवां लोक है। सभी देवगण, गंधर्वों, अप्सराएं, यक्ष और गुहाओं के साथ स्वर्गलोक में निवास करते हैं। सर्प, भूत, पिशाच, नाग एवं मनुष्यगण पृथ्वी लोक पर निवास करते हैं। मसदगण, वायुगण, रुद्रगण, कुछ देवता, दोनों अश्वनी कुमार, ये सभी यद्यपि किसी एक स्थान या लोक में निवास नहीं करते, वे भी उनका प्रमुख स्थान भूवरलोक ही है। स्वर्ग में निवास करने वाले आदित्यगण, रघुगण तथा विश्वदेवगण, साधारण पितरगण एवं अंगिरा गोत्रीय ऋषिगण भूवरलोक में आकर स्थान प्राप्त करते हैं। ये सभी देवगण विमानों में चढ़कर ताराओं एवं ग्रह पिंडों का आश्रय भूवरलोक ही है। यह भूवरलोक आदि का वर्णन कहा गया है ब्रह्मा के द्वारा उच्चारण किए शब्दों के द्वारा किया गया है। यह महरलोक से भूलोक तक की चर्चा ऊपर की गई है। ये सब ताराओं से शुरू हुए हैं। ये परस्पर शुद्ध हैं तथा एक दूसरे से सर्वथा अलग हैं। शुक से लेकर चाक्षुष मनु तक वे सभी कल्पांत में इसी महरलोक में निवास करते हैं। रभु एवं सनत कुमार आदि ऋषिगण तपोलोक में निवास करते हैं। प्रलय काल में भूलोक से लेकर महरलोक तक जब सभी सात सूर्य की रश्मियों के द्वारा दग्ध हो जाते हैं, तब मरीचि, कश्यप, दक्ष, स्वयंभू, अंगिरा, पुलह, क्रतु आदि प्रजापतिगण एक साथ जनलोक में निवास करते हैं। सातवां सत्यलोक है, जहां पर पहुंचकर फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। इस सत्यलोक का कभी विनाश नहीं होता। ध्रुव से लेकर जनलोक तक महरलोक है। इस प्रकार अन्य लोक भी हैं। भूवर लोक में अंतभक्षी रसावादी लोग रहते हैं। भूलोक में सोमरस पीने वाले लोग बसते हैं। स्वर्ग लोक में आज्य का पान किया जाता है। महर लोक में रहने वाले मनोवांछित सिद्धियां प्राप्त होते हैं। देवगण यज्ञों द्वारा संतोष प्राप्त करते हैं। विप्रो, आप जनलोक तथा नीचे के चारों लोकों की चर्चा संक्षेप से सुन चुके हैं। अब उसका वर्णन विस्तार से सुनिए। वायु बोले, हे ऋषियों, सर्वप्रथम मरीचि, कश्यप, दक्ष, वशिष्ठ, अंगिरा, भृगु, पुलस्त्य, प्रलह और क्रतु आदि ऋषिगण ब्रह्म जी के मानस पुत्र हुए हैं। अपनी अपनी प्रजाओं का विस्तार करके वे पुनः जनलोक में ठहर गए। कल्प के अवसान में जब भूभुवस्व स्वर्गलोक प्रचंड अग्नि की ज्वालाओं से दग्ध हो जाते हैं, तो महरलोक के रहने वाले यम आदि देवगण सूक्ष्म शरीर से जनलोक में निवास करते हैं। वहां पहुंचने पर वे लोक जनलोक के निवासियों की भांति सामर्थ्यवान, रूपवान एवं ऐश्वर्यवान हो जाते हैं। जगत के विनाश होने तक वहां उसी रूप में निवास करते हैं। ब्रह्मा की महारात्रि समाप्त होने पर उनके दिन का आरंभ होता है। तब वे मनु, मरीचि आदि ऋषिगण पूर्ववर्ती पुरुषाओं की भांति पुनः जन्म लेते हैं। देव वंशों की सात विभूतियां कही गई हैं। इनमें से चार कल्पज देवता बीत चुके हैं, तीन शेष हैं। ये अपने अपने कथित तप के प्रताप से विराज लोक को प्राप्त होते हैं। विराज लोक में जो लोग निवास करते हैं, वे दस बार
जन्म धारण करते हैं। इस प्रकार देवताओं के हजारों युग समाप्त हो गए। ऋषियों के साथ मृत होकर वे वैराज लोकों में निवास करने के बाद ब्रह्म लोक को प्राप्त हो गए। सूत जी बोले, हे ऋषि गणों, देवताओं का इस प्रलय एवं सृष्टि का वर्णन विस्तार से कथन नहीं किया जा सकता। काल का कोई आदि नहीं है, संख्याओं की भी कोई गिनती नहीं है। जैसा मैंने आप लोगों से वर्णन किया है वैसा ही वैसा सब कुछ हुआ है, इसमें संदेह नहीं है। ऋषि बोले, हे सूत जी, विराज नामक लोकों में निवास करने वाले जो आहार करते हैं तथा जो पराक्रमी हैं, जितने समय तक वे स्थिर रहते हैं, ये सब बातें यथार्थ सुनना चाहते हैं, सो कृपा करके बताइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो धर्माचरण द्वारा परम शुद्ध एवं निर्विकार लोग होते हैं, वे उस वैराज नामक लोक में 10 कल्प तक निवास करते हैं। वे सब परम ज्ञानी, सुमदर्शी तथा सूक्ष्म स्वच्छ शरीर वाले होते हैं। अनंत काल तक वह रहने के कारण उनके शरीरों से भूतों का संपर्क नहीं होता। 10 कल्प के बाद वैराज लोक का वीर्वतन का समय आता है, तब वे वैराज लोक में निवास करते हैं। शुद्ध बुद्धि, योग अभ्यास परायण सनत कुमार सिद्धगण उस लोक को छोड़ने के एक साथ उत्सुक होकर आपस में वे इस प्रकार बातचीत करते हैं, प्रतिभाशाली, अब हम लोग प्रणव का सहारा लेकर ब्रह्म लोक में निवास करेंगे, उससे हम सबों का कल्याण होगा। इस प्रकार वे लोग योग धर्म महात्माओं योग अभ्यास द्वारा आत्मा को परमात्मा ब्रह्म में संयोजित करके ब्रह्म पद की प्राप्ति करते हैं और उसी स्थान में लीन हो जाते हैं। सब प्रकार की सुख देने वाली कल्पनाओं से पूर्ण अनामय ब्रह्म लोक को प्राप्त ब्रह्म आनंद में मग्न होकर वे अमर तत्व को प्राप्त करते हैं। वे ब्रह्म लोक में प्रसिद्ध हैं, उनके पुरोहित ब्रह्म जी हैं। वहाँ के रहने वाले शुद्ध बुद्धि विचार वाले परम तपोनिष्ठ होते हैं। वितराग के जीतने वाले क्रोध को निर्मोह सत्यवादी शांत आत्मा को वश में रखने वाले जितेंद्रिय दयावान पवित्र आत्मा वाले मनुष्य को ही ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। यह ब्रह्म पद परम दिव्य गुण संपन्न और आकाश परम चमकीला है। वहां जाकर वे अमर होकर ब्रह्म जी के साथ निवास करते हैं और सुख का अनुभव करते हुए शोक से छूट जाते हैं। ऋषि बोले, हे महापति सूत जी, ये प्रार्थ क्या है, पर किसको कहते हैं, आप कृपा करके हमको इनके विषय में बतलाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं आपको प्रार्थ और पर के बारे में बतला रहा हूँ। 10,000 का एक अयुत होता है, 100,000 का एक न्यूत होता है, 100,000 वर्ष का 10 न्यूत की 1 कोटि होती है, 10 करोड़ का 1 अरब होता है, 10 करोड़ का 1 पदम होता है, 1,000 करोड़ का 1 खरब होता है, 10,000 करोड़ का 1 निखरब होता है, 100,000 करोड़ का 1 शंख होता है, 1,000 करोड़ कोटि के गुणा करने पर उसके गुणनफल को समुद्र कहते हैं, 1,000 अयुत कोटि की 1 मध्य 1,000 नियुक्त कोटि का 1 अंत और 1,000 कोटि का 1 प्रार्ध होता है और 2 प्रार्ध की संख्या को 1 पर कहते हैं, 100 की संख्या को परिधन कहते हैं और 1,000 को परिपद्मक कहते हैं। ऋषियों ने बतलाया है कि ब्रह्म के कल्प की परिमाण संख्या सृष्टि शुरू होने के समय तक 1 प्रार्ध मानी जाती है। इसके बाद 1 पराई काल की सृष्टि रहित स्थिति में बीत जाता है, उसके बाद पुनः सृष्टि शुरू हो जाती है। इस तरह एक सृष्टि के शुरू के समय से दूसरी सृष्टि के शुरू के होने तक 2 प्रार्ध या 1 पर काल होता है। मैंने आपको पर और पराध का काल को बतला दिया है।
महर्षियों की इस प्रकार वाणी को सुनकर वायुदेव ने मीठे स्वर में ब्रह्मलोक के बारे में जो कुछ सुना और देखा था मैं उसी के विषय में आप लोगों को बतला रहा हूँ। वायुदेव बोले, ऋषियों मैं आप लोगों को अन्य वक्त वक्त विषयों में बतला रहा हूँ। अव्यक्त अपव्यक्त की अपेक्षा व्यव्यक्त का भाग महार स्थूल होता है। महत के 10 भाग जितना स्थूल भूत आदि बताए जाते हैं, भूत आदि से 10 भाग अधिक स्थूल परिमाण कहा जाता है। यह परिमाण भी बहुत सूक्ष्म होता है। लोक में सबसे सूक्ष्म परम अवेद वस्तु होती है, उसी को परमाणु कहते हैं। सूर्य की किरणों में जो बहुत सूक्ष्म धूल के कण दिखाई देते हैं वे प्रथम परमाणु होते हैं। ऐसे 8 परमाणुओं का जब आपस में मिलन होता है उसे तब त्रस रेणु कहते हैं, इसी को पदन रज भी कहते हैं।